वर्जिन होम्योपैथी क्या है? वर्जिन होम्योपैथी ये हेनीमनियन लिटरेचर का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन और थरोली कंप्लीटली एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें हमने ना कुछ जोड़ा है ना कुछ कम किया है, जो जैसा है वैसे ही हमने रखने की कोशिश की है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ना ही इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन है। तो इंटरप्रिटेशन ये भी हमारी एक दिक्कत है कि जो बहुत सारा पार्ट है जिसको लोगों ने अपने लेवल पे अपने तरीके से समझने की कोशिश की, जो पुराने स्टालवर्ड्स है या होम्योपैथी फ्रेटर्निटी है हमारी, और उन्होंने उस तरीके से लिटरेचर पब्लिश किया। इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इवोल्यूशन हुआ है होम्योपैथी का हेनीमनियन टाइम पे स्पेशली, उसके बारे में हमने उस तरीके से बहुत कम लोग जानते या समझते हैं। जैसे हमें पता है, एक एग्जांपल दूंगा मैं, कि रेमेडी सिलेक्शन तक तो ठीक है, बट पोटेंसी सिलेक्शन या रेमेडी की किस तरीके से डिस्पेंसिंग करना है उसके बारे में हेनीमन सर ने लोएस्ट पोटेंसी, उससे पहले क्रूड फॉर्म से लेके तो LM पोटेंसी तक यूज करना किया और एक्सपीरियंस किया और वो लिखा। बट कितने लोग ऐसे हैं कि जो 3 to 4 ग्लोबुल्स मेडिकेट करके देते हैं, ये कौन से एडिशन में लिखा है ये आपको पता है? कौन बताना चाहेगा? कि जो हम यूजुअली जो रूटीनली मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिक्स में, 3-4 ग्लोबल 6-8 ग्लोबल्स को मेडिकेट करके हम पेशेंट को सिंगल डोज लेने के लिए बोलते हैं, ये कौन से एडिशन तक हेनीमन सर प्रैक्टिस कर रहे थे? कोई एक बोलेगा? तो ये प्रैक्टिस हेनीमन सर की 3rd एडिशन की है, और 4th एडिशन तक आते आते उन्होंने चेंज कर दिया। 5th एडिशन में उन्होंने वही सिंगल ग्लोबुल वाटर में देना चालू किया, सेंटिसिमल पोटेंसी थी, बट 6th एडिशन तक आते आते उन्होंने LM पोटेंसी वाटर डोजेज, वो भी सिंगल ग्लोबुल पॉपी साइज्ड, ये यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जो कुछ होम्योपैथी का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, या अवेयर है तो हम यूज़ नहीं करते। तो ये पार्ट भी हमने कवर किया है। तो यही वर्जिन होम्योपैथी है जो हेनीमन सर की नॉलेज एज इट इज़ विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विदाउट इंटरप्रिटेशन, यही वर्जिन होम्योपैथी है।